हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मरीश। हम लोग एक्सेल चालू था हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 में। आज हम लोग जो फार्मूलाज देखने वाले हैं वो है कोड CHAR, जिसका पूरा नाम है कैरेक्टर। तो इसको वैसे चार बोला जाता है या कैर बोल सकते हैं आप लोग। चार, थर्ड है अपना सर्च और फोर्थ है अपना फाइंड। तो ये चार फार्मूलाज हम लोग देखेंगे, ये भी टेक्स्ट फार्मूलाज के ही पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आज के जो फॉर्मूले हैं वो है कोड, चार, सर्च और फाइंड। ये चार फॉर्मूले हमारे आज के हैं। अब देखिए, कोड, कैरेक्टर, सर्च और फाइंड। पहले हम लोग देख लेते हैं कोड। कोड के नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोई ना कोई कोड है जिसके बारे में ये बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ABCDEFGHIJKL, मुझे इन सब का कोड देखना है। कोड भी कौन सा बताता है? ये आस्की कोड, ASCII। तो आस्की कोड जो होता है, इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये इसका पूरा नाम है आस्की कोड का। तो ये आस्की कोड बताता है, जैसे ए का कोड क्या है, इक्वल्स टू कोड, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इक्वल्स टू लिखा, कोड लिखा, टैब दबाया, फिर ए को सेलेक्ट किया माउस से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ए का जो कोड है वो 97 है। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा कोड हो चुका। अब ये तो स्मॉल ए का है, अगर कैपिटल ए होता, ABC, तो कैपिटल का अलग होगा, इक्वल्स टू कोड, फिर से हमको ए को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का इधर 98 था, तो इधर 66 है। तो ये इनके कोड हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ABCD के कोड बताता है। अगर हम लोग पूरा नाम लिखते हैं कि मैंने लिखा अजय, यहाँ लिखा रवि, यहाँ लिखा मनीष, तो जब भी आप कोड सर्च करेंगे तो सिर्फ ये पहले वर्ड का ही बताएगा आपको। इक्वल्स टू कोड, अजय ए कैपिटल है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो सिर्फ 65 ही बताएगा, क्योंकि कैपिटल ए का कोड 65 है, JAY का नहीं बताएगा, सिर्फ पहले वर्ड का। आर, कैपिटल आर का क्या है हमारा कोड, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, कैपिटल आर का हमारा 82 है। तो इक्वल्स टू कोड, रवि को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो ये देखिए वही 82 आ गया, मतलब सिर्फ पहले वर्ड को ही लेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब हमने पहले टेक्स्ट से उसका कोड निकाला है, अब हम कोड से टेक्स्ट निकालना चाहते हैं। मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि 74 किसका कोड है। तो इक्वल्स टू CHAR, उसके बाद आपको उस नंबर को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो 74 जो है वो जे का है, ये रहा। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि 102 किसका है, एंटर प्रेस किया, तो 102 है स्मॉल एफ का। तो ये देखिए 102 स्मॉल एफ का। तो कोड और कैरेक्ट आपस में बिल्कुल अपोजिट है, मतलब टेक्स्ट का कोड निकालना है तब तो कोड आएगा, नंबर से आपको वापस से टेक्स्ट पे जाना है तो आपका चार कैरेक्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो CHAR यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा सर्च और फाइंड। सर्च और फाइंड दोनों सिमिलर है, कहीं कोई फर्क नहीं है। मतलब हमें किसी नाम में से अगर पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर अगर फाइंड करना है तो आपके ये दोनों फॉर्मूलाज काम आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मनीष, अब मुझे मनीष में से एन फाइंड करना है कि कहाँ पर है। तो पहले एक बार सर्च को देख लेते हैं। सर्च लिखा, फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है उसको इनोटेड कॉमा में लिखा, तो मुझे एन फाइंड करना है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में, इस वाले टेक्स्ट में, एंटर प्रेस कर देना है। तो कौन से नंबर पर आया, थर्ड नंबर पर। अगर मैं एन की जगह आई को सर्च करूं, इक्वल्स टू SEARCH, टेक्स्ट को फाइंड टेक्स्ट के अंदर क्या फाइंड करना है वो इनोटेड कॉमा में लिखिए कि मुझे अब एस फाइंड करना है, इनोटेड कॉमा बंद, फिर से कॉमा, विद इन टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है कि किसमें से लेना है, देन एंटर। तो पांचवें नंबर पर है, तो MANIS, तो ये पांचवें नंबर पर हो चुका। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड। यहाँ पे हमने लिखा गुजरात, इक्वल्स टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, सेम वही प्रोसेस है, इन्वर्टेड कॉमा में हमको लिखना है ए,
मतलब ए फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, वही हमने गुजरात को सेलेक्ट किया, एंटरप्राइज किया, तो GUJ ए, तो हमने क्या फाइंड किया था, ए फाइंड किया था गुजरात का। अगर हमको जे फाइंड करना है तो इक्वल्स टू फाइंड, जो फाइंड करना है उसको हमने लिखा नोटेड कॉमा के अंदर, फिर कॉमा लगाया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन एंटरप्राइज किया, तो थर्ड नंबर पे हमारा जे है। तो किसी नंबर पर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर फाइंड करना हो तो आपका फाइंड और रिप्लेस काम में आएगा। अगर किसी एक नाम में एक कैरेक्टर दो बार आ रहा है तो ये प्रेफरेंस फर्स्ट वाले को ही देगा कि जो फर्स्ट में है। अब यहाँ पर झुंझुनू लिखना है, JHUN JHUN U। अब इसमें जे काफी बार है, एच काफी बार है, तो चलिए मैं एच को फाइंड करता हूँ। इक्वल्स टू फाइंड सेलेक्ट, फाइंड के बाद इनोटेड कॉमा में मुझे फाइंड करना है एच, कॉमा विद इन टेक्स्ट में झुंझुनू को सेलेक्ट किया और एंटरप्राइज किया, तो ये दो ही बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा कि दोबारा से एच यहाँ भी आ रहा है या और आगे भी आ रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर को ही बताएगा जो भी फर्स्ट में मिल जाएगा इसको। तो आज के हमारे चार फॉर्मूले थे, कोड, कैरेक्टर, सर्च और फाइंड। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसके अंदर और भी फार्मूलाज देखेंगे, तो काफी सारे फार्मूलाज आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।